हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं और एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आ गई आप लोगों के साथ। तो ये प्रोडक्ट जो है मैंने अमेजोन से मंगाया था और एटलीस्ट 6 डेज हो गया इसको मैं ओपन नहीं कर पाई क्योंकि अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ करना था। तो चलिए पहले अनबॉक्सिंग करके देखते हैं अंदर क्या है, फिर इसके फीचर और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। ऊपर वाला बॉक्स तो अमेजन का ही है तो इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। इसके अंदर सी फ्रेंड्स, दिस इज द प्रोडक्ट। और भी कुछ है इसके अंदर ये मैं बाद में ओपन करूँगी। अब ये बॉक्स को साइड में रख देते हैं और जो मेन प्रोडक्ट है उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये दिस इज वाया, अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता लग ही गया कि क्या प्रोडक्ट है। पैकिंग इज प्रिटी गुड, नो प्रॉब्लम। देखते हैं अंदर क्या है। ये इसके ऊपर कवर करके दिया हुआ था ताकि इसमें कोई स्क्रैच ना लगे। See this, friend. This is Vaya lunch box. ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजन से। अभी जस्ट मैं इसको पैकेज से निकालते हैं और इसका क्या क्या फीचर है वो देखते हैं। उठाने में तो काफ़ी अच्छा वेट है, नॉर्मल लंच बॉक्स का जैसा बिल्कुल वेट नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा वेट है। सो क्यूट, सी दिस। आई होप कलर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये एक्चुअली जो लंच बॉक्स है ना, मैं रिव्यू तो मुझे पहले से ही मिल गया था बिकॉज मेरे ब्रदर जो है ये लंच बॉक्स 2017 से यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे सिस्टर लोग मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी बार बोल चुके हैं कि आप एक बार ये लंच बॉक्स ले लो क्योंकि इसमें खाना बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने कहा चलो रिव्यू जब इतना अच्छा है मैं एक बार परचेज करके देखती हूँ। तो इसका जो प्राइस है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको ओपन करते हैं। पहले तो इसका हैंडल है, यहाँ पर देखिए बहुत स्लीक है ये हैंडल, बट स्ट्रॉन्ग है, नॉट लाइट, ये स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद इसके साइड में लॉक है, ये देखिए लॉक को कैसे या से नीचे से आप प्रेशराइज करेंगे तो ओपन हो जाएगा। और इस साइड से भी सेम है ये है, बट ये मुझे लग रहा है, मैं प्रोज एंड कॉन बाद में बताऊँगी। एक बारी इसका ओपन करते हैं। सीरीज ये बहुत हेवी है, इसके जब ढक्कन है, ये कवर में क्या है ये स्पेसिफिकेशन मैं बाद में बताती हूँ। अभी देखिए मैंने 4 डिब्बा का लंच बॉक्स जो है ऑर्डर किया था, इसमें 4 डिब्बा है। तो ये जो है इसके नीचे वाला हिस्सा है, इसमें देखिए गैसकेट है। गैसकेट तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे से इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है और इसको जैसे जब क्लीन करेगा ना, वॉश करेगा तब भी बहुत इजी रहेगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा है ये। इसको साइड कर लेते हैं, आप एक बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। अब ये इसका मेन फंडा तो आपको खाना गर्म रखना है, तो इसको ओपन करना बहुत इजी है क्योंकि यहाँ से आप फिंगर्स डालेंगे तो इजीली ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए सीरीज, आप इसको आप बंद कर दीजिए। इसके बीच में एक वो भी है, पार्टीशन है, ये पार्टीशन देख लेते हैं कैसा है, बता देती हूँ मैं आप लोगों को। सब में ही सेम है, ऐसे ही है, ये है, सेम ही होगा। चलिए ये है। अब ये पार्टीशन के बारे में आप लोगों को बताते हैं। ये पार्टीशन जो है इसमें देखिए इधर लिखा है डाउन और इधर लिखा है, एक सेकंड पहले मैं पढ़ लेती हूँ। एक तो लिखा है इंसर्ट और एक टर्न, ये देखिए इंसर्ट और टर्न। तो इंसर्ट जो है ऐसे करके इसमें एरो दिया हुआ है, तो आप इजीली इसको इंसर्ट कर दीजिए। इसमें ऐसे आप दोनों साइड से पकड़ के करेंगे तो एकदम ये देखिए अंदर चला गया। और जब आपको इसको ओपन करना होगा तो जस्ट इसको पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए, ये ओपन हो गया इजीली। तो ये हो गया। अब इसके कवर में आते हैं। ये डबल साइडेड एसएस वॉल का है इसका जो कवर है, मेन जो गर्म रखने का फंडा है ना इसी में ही होता है क्योंकि ये हेवी भी है और ये डबल वॉल है, तो इस वजह से खाना आपका उसमें लिखा हुआ था वो लोग क्लेम करते हैं 5-6 घंटा गर्म रहेगा। ये तो यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा कि कितना टाइम गर्म रहेगा। तो यही है,
बाकी एक बार ना मैं डिटेल्स में प्राइस के बारे में एक बार आता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसका प्राइस जो कंपनी का प्राइस है आई थिंक दैट वाज 3900 रुपीज़। और अमेजोन से मैंने परचेज किया, ये लोग कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं क्योंकि नॉर्मली वाया का कोई डिस्काउंट नहीं होता है। ये 3900 का है। और इसका एक बार प्रोज एंड कॉन मैं बताती हूँ। प्रोज में क्या है, अच्छा चीज़ क्या है, अगर आपका खाना गर्म रहेगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये इसको देख के मुझे हैवी फील हो रहा है। बहुत सारे लंच बॉक्स हमने यूज़ किया है बट इतना हैवी मैंने देखा नहीं पहले, काफ़ी हैवी है। अच्छा, इसको ओपन करना बहुत आसान है। आपको जैसे खाना इधर उधर, ये जैसे आप ओपन कर रहे हैं, आपका बॉक्स ऐसे बंद है तो आप इजीली ऐसे फट से ओपन कर पाएंगे। आप जैसे मेरे तरह है कि आपको खूब सारे लंच पैक करके ऑफिस में ले जाना होता है, क्योंकि मेरे लिए लंच जो है एक मेन मील है, तो मैं लंच में काफ़ी सारे वैरायटी ले जाती हूँ हमेशा। तो आप समझ लीजिए एक तरह से आप 8 वैरायटी लेके जा सकते हैं। 8 ना भी हो, एक में आप दाल चावल ले लिया तो बाकी में आप 4, मतलब 2-2, 4 तो ले ही जा सकते हैं। ये भी एक इसका प्रॉब्लम है। अब कॉर्न में क्या है मैं आपको बताती हूँ, कॉर्न में क्या है। ये देखिए इसका जो लेचेस है ना, ये मुझे सही नहीं लगा यार, जो भी आप कह लो। ये देखिए इतने ऑलमोस्ट 4000 का लंच बॉक्स है आपका। ये देखिए ये मुझे बहुत ज़्यादा ना लाइट फील हो रहा है, और इसका ना ये इतना शार्प है आपका हाथ काट सकते हैं, बहुत शार्प है। ये देखिए बहुत शार्प है ये, इसका ये चीज़ देखिए, इसका जो पेंट है अभी से छूट गया, ये देखिए सीरीज। तो ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा इसका, ये चीज़ तो खराब है ही है। सेकेंड थिंग जो है, जो एक मैंने इसको परचेज किया, एक बॉक्स मिला है, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं था, यूज़र मैनुअल कुछ भी, मतलब 2-4 इंस्ट्रक्शन तो होना ही चाहिए ना, कैसे ओपन करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे, तो वो सब कुछ भी नहीं था। बाकी इरेस्टिज ओके, तो आप यूज़ करके देखते हैं कि कैसा खाना गर्म रहता है, मतलब कितने टाइम तक फ्रेश रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे अभी ऑफिस निकलना है, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।